म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट ऐप कौन सी है? कोई कहता है ग्रो बहुत अच्छी है, कोई कहता है ज़ेरोधा बहुत बढ़िया है, कुछ लोग ईटी मनी, अपस्टॉक्स एंड पेटीएम मनी को भी रिकमेंड करते हैं। बट व्हाट इफ मैं आपसे कहूं कि इनमें से कोई भी ऐप अच्छी नहीं है? इनफैक्ट क्या अगर मैं आपसे ये कहूं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना ही नहीं चाहिए, तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी, आप ये क्या बोल रहे हो, डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाएंगे तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करेंगे? सो इस वीडियो में मैं आपको तीन अलग तरीके बताऊंगी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के, और आपको बताऊंगी कि आपको डीमैट अकाउंट कब खुलवाना चाहिए, और आपको ये भी बताऊंगी इंडिया में बेस्ट डीमैट अकाउंट कौन सा है। सबसे पहले ये बात क्लियर कर देते हैं कि आपको अगर सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना नहीं चाहिए, या डीमैट अकाउंट खुलवाने की आपको जरूरत नहीं है। यार ये जो मिथ है ना, वो उन लोगों ने फैलाया हुआ है जिनको डीमैट अकाउंट खुलवाने का कमीशन मिलता है। एंड माइंड यू, एक एक डीमैट अकाउंट खुलवाने में हजारों का कमीशन बनता है। अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो आपकी लाइफ में ना स्ट्रेस बढ़ता ही है। सबसे पहली बात, तो डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको बहुत सारे चार्जेस देने पड़ते हैं, फिर उस अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भरना पड़ता है। ये तो फिर भी ठीक है, डीमैट अकाउंट खुलवाने में और भी बड़ी प्रॉब्लम्स है। जब भी आप अपने म्यूचुअल फंड्स के यूनिट को बेचते हो तो वो जो पैसे होते हैं वो आपकी ब्रोकरेज अकाउंट में आते हैं। उन पैसों को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आपको ब्रोकरेज अकाउंट से ट्रांसफर करने पड़ते हैं। भगवान ना करे इस बीच में अगर डीमैट अकाउंट का जो होल्डर है, जो ओनर है, उसकी डेथ हो गई, तो जो उसका लीगल हेयर है उनको फंड्स ट्रांसफर करने के लिए, उनको फंड्स विड्रॉ करने के लिए एक नया डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उसके बाद उन्हें डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद वो अपनी जो यूनिट्स बची हुई है वो नए वाला अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड ये मैं सिर्फ अच्छे वाले डीमैट अकाउंट्स की बात कर रही हूँ। There are a few companies which do not even offer the option to invest in direct mutual funds. They only give you the option of regular funds. जिन्हें regular funds and direct mutual funds में difference नहीं पता है, I would highly recommend you to please understand the difference between the two before you even start thinking of investing in mutual funds. अगर आपको इसमें difference अच्छे से नहीं पता होगा, अगर आप mutual fund में invest करने का सोच रहे हो, तो आपका काफी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। Anyhow, जो platforms आपको direct funds में invest करने का option नहीं देते हैं, मैं उन platforms को आंख बंद करके reject कर दूंगी। Some of the examples of these platforms are ICICI Direct, Funds India, etc., etc. Last जो बड़ी problem है demat account खुलवाने में वो ये है कि जिस company के साथ हमने demat account खुलवाया है, what if उन्होंने अपनी terms and conditions change कर दी बाद में? अब क्योंकि आपका जो demat account का जो पूरा portfolio है वो तो आपके उस demat account के साथ linked है, आप सोचोगे यार ये टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो गई हैं। अगर आपको मन भी होगा कि आप अपना डीमैट अकाउंट चेंज कर दो या नया खुलवा लो, आप सोचोगे यार कौन इतनी मेहनत करे, जो चल रहा है चलने दो, जो बोल रहे हैं चुपचाप मान जाते हैं, है ना। और ये सब मैं आपको अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ऐसा एक्चुअली हुआ था लास्ट ईयर। वे पेटीएम मनी चेंज द मॉडल एंड टाइड अप विद बीएससी स्टार प्लेटफॉर्म एंड स्टॉप ऑफरिंग डायरेक्ट फंड्स। इन शॉर्ट, पेटीएम मनी ब्रोकर से सब ब्रोकर बन गया था। इस चेंज की वजह से पेटीएम मनी के जो कस्टमर्स थे उनको फिर से अपना केवाईसी कराना पड़ा। एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ दे स्टार्ट चार्जिंग यू फॉर हैविंग डीमैट अकाउंट्स एज़ वेल। बेसिकली क्या होता है ना, बीइंग अ सब ब्रोकर कम्स विद अ कॉस्ट, एंड दैट कॉस्ट इज अल्टीमेटली रिकवर्ड फ्रॉम पीपल लाइक यू एंड मी। तो यार अगर डीमैट अकाउंट नहीं देन व्हाट? शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको तीन अलग अलग तरीके बताऊंगी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के। तो सबसे पहला तरीका जो है वो है कि आप म्यूचुअल फंड की जो म्यूचुअल फंड कंपनी की जो वेबसाइट है उस पे जाके आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वांट इंडिया का स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप क्वांट इंडिया की वेबसाइट पर जा सकते हैं, लॉग इन करके अकाउंट बना के आप उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो ये बेस्ट तरीका है, बट द ओनली प्रॉब्लम विद दिस इज कि अगर आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे एंड अलग अलग पासवर्ड याद रखने पड़ेंगे। सो वो थोड़ा सा हैसल हो सकता है। इसलिए आता है हमारा सेकंड ऑप्शन, बाय ओपनिंग अकाउंट्स विद कैम्स एंड के फिनटेक। ये दो ऐसी कंपनीज है जो म्यूचुअल फंड कंपनीज को अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है इन मैनेजिंग देयर ऑपरेशंस। कुछ कंपनीज ने कैम्स के साथ टाई अप किया हुआ है, कुछ ने के फिनटेक के साथ। अब ये पहले वाले ऑप्शन से तो काफी ज्यादा बेटर है, लेकिन इसमें भी सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम है। आपको दो अकाउंट्स खुलवाने पड़ेंगे, वन विद कैम्स एंड द अदर वन विद के फिनटेक। आवर थर्ड ऑप्शन इज एमएफ यूटिलिटीज इंडिया। दिस इज एन इनिशिएटिव बाय म्यूचुअल फंड कंपनीज। बेसिकली सारी जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उन सब ने मिलके इसको बनाया है। सो बेसिकली इसमें ऑब्वियस है कि आपको सारे फंड्स एक ही जगह पे दिख जाएंगे एंड आपके लिए वाला ऑप्शन हमेशा फ्री रहेगा। बट द ओनली ड्रॉबैक विद दिस इज कि ये इसका जो इंटरफेस है वो इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है एंड इतना मॉडर्न नहीं है जैसे आजकल की जो एप्स है ग्रो या अपस्टॉक्स उनमें होता है। सो आपको मैं एक बोनस ऑप्शन देती हूँ, द लास्ट ऑप्शन विच इज एमएफ सेंट्रल। दिस इज अ जॉइंट इनिशिएटिव बाय कैम्स एंड के फिनटेक। इसमें भी आपका मल्टीपल फंड्स वाला इशू भी सॉर्ट हो जाएगा एंड इसका इंटरफेस भी काफी डिसेंट है।
बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में से अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे 100% कन्विंस नहीं हुए. आप लोग कह रहे हैं एक सेकंड यार, मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए अलग से आप तो होनी चाहिए ना. बेस्ट जो डीमैट अकाउंट है उसके बारे में बताओ, अकाउंट कहाँ खुलवाओ. सो बिफोर रिवीलिंग इंडियाज बेस्ट डीमैट अकाउंट, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन. आप में से बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं? मे बी बिकॉज दे वॉन्ट टू इम्प्रूव देयर फाइनेंशियल नॉलेज, अपनी फाइनेंशियल जर्नी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, है ना. अगर ऐसा है तो जो नेक्स्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है. हमने अभी रिसेंटली अपनी एक कम्युनिटी लॉन्च की है जिसका नाम है bekifayati.co. उसमें हम बहुत सारे फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स जैसे कि इंश्योरेंस, सेविंग टैक्सेस, बेस्ट क्रेडिट कार्ड, होम लोन एक्सेट्रा पे रेगुलरली डिस्कशन करते रहते हैं. आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं एंड आप उन डिस्कशन का पार्ट बन सकते हैं, वो भी फ्री में. उस कम्युनिटी में ऑलरेडी 7,000 से ज्यादा मेंबर्स ज्वाइन कर चुके हैं. अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, आप उस कम्युनिटी में पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन एंड आपको उसका सोल्यूशन, उसका आंसर 100% मिल जाएगा. कम्युनिटी को ज्वाइन करने का जो लिंक है हमारी डिस्क्रिप्शन में है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज बेस्ट डीमैट अकाउंट. यार अगर आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है देन आई वुड डेफिनेटली नॉट रिकमेंड यू टू गो विद ज़ेरोडा कॉइन और अपस्टॉक्स, बिकॉज primarily because they'll hold a lot of your units in a separate demat account which I already explained is quite unnecessary. Second option bhi aata hai jo main aapko paytm money ya icici direct nahi recommend karungi, uska reason bhi main aapko video mein explain kar chuki hu. So hamare paas bachte hain teen options jo ki hai grow, kuvera and et money. यार अगर तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है कि आपको सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है देन यू कैन ईदर गो विद ग्रो और कुवेरा. दोनों की अपनी अपनी यूएसपीज हैं. कुवेरा में आपको बहुत सारे एड ऑन फीचर्स मिलते हैं जैसे कि टैक्स हार्वेस्टिंग, ओपनिंग अ फैमिली अकाउंट एक्सेट्रा. ग्रो में आपको ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि ऑप्शंस टू इन्वेस्ट इन आईपीओस और इन्वेस्ट इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो आपको कुवेरा में नहीं मिलते. ग्रो का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो भी काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू कुवेरा, बट कुवेरा का कस्टमर सपोर्ट बेटर है. So, obviously, दोनों के अपने pros and cons हैं. आपको जो बेटर लगता है, आपकी रिक्वायरमेंट पे सूटेबल है, आप उसको चूज कर सकते हैं. एंड अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना ही नहीं है तो चार ऑप्शंस मैंने आपको ऊपर बताए वीडियो में, आप उनके साथ जा सकते हैं एंड डीमैट अकाउंट खुलवाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा. ये हमने बात करी डीमैट अकाउंट के बारे में. अगर आपको 2024 के बेस्ट म्यूचुअल फंड जानने हैं इंडिया में कौन से हैं, सो हमने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को यहाँ देख सकते हैं. टिल देन बी किफायती.